क्लास 9th, ये आपकी जो चैप्टर है कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक द्वारा लिखी हुई है। इसका आपने लेखक का जो परिचय होता है वो खुद पढ़ना है। मैं इसकी आपको पंक्तियाँ पूरी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इसका परिचय 2-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि इसमें इसका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक रचनाएं, अनूदित रचनाएं हैं, इसकी काव्य विशेषताएं हैं, भाषा शैली है इसकी, जीवन परिचय है ऊपर। तो आपने इसकी ये क्या करना है, सारा कुछ रीड करना है। 1-2 बार रीड करिएगा, सिर्फ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 बार रीड करना है आपको। उसके बाद है नेक्स्ट है कश्मीर सुषमा पाठ का सार। कश्मीर सुषमा शीर्षित कविता में श्रीधर पाठक ने कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का क्या किया हुआ है, चित्रण किया हुआ है। जो कश्मीर का सौंदर्य है ना, सुंदरता है ना, उस चीज़ का उन्होंने चित्रण किया हुआ है। कश्मीर का कण कण अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध है, मशहूर है। यदि कभी स्वर्ग, यदि कहीं स्वर्ग है तो उसकी झलक कहाँ दिखती है, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता में ही मिलती है। अब ये सारा कुछ हम कश्मीर के ऊपर पढ़ेंगे, सारी पंक्तियाँ कश्मीर के ऊपर हैं। उसके बाद धनी धनी श्री कश्मीर धरनी मन धरनी सुहावनी है ये यादू बरी विश्व वाजीगर थैली खेलत में खुली परी शैल के सिर पे फैली पुरुष प्रकृति को किंदो जवे जोवन रस आयो प्रेम कोली रस सैली कर्ण रंग महल सजायो। अब इसमें ये क्या है, तो बड़ मीनिंग भी दिए हुए हैं आपको। उसके बाद क्या करना है, प्रसंग करना है। सबसे पहले प्रसंग मैक्सिमम में सेम ही रहता है, सिर्फ एक लाइन जिसमें ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस किया हो पूरी पंक्ति में, सिर्फ उस पर वो ही लिखनी पड़ती है, बाकी प्रसंग क्या रहता है, सेम रहता है हर एक पंक्ति में। प्रस्तुत पद्यांश नववार्ती में संकलित कविता कश्मीर सुषमा से ली गई है। इसकी इसमें श्रीधर पाठक ने कश्मीर की सुंदरता तथा वहाँ की प्रकृति का क्या किया हुआ है, प्रतिक्षण रूप परिवर्तन करने का बड़ा भावपूर्ण शब्द चित्रित प्रस्तुत किया हुआ हमारे सामने। उन्होंने एक शब्द से भरा हुआ एक पूरा चित्र हमारे सामने, उधर क्या क्या सुंदरता है, कैसी सुंदरता है, वो उन्होंने सारा हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ इस चीज़ का चित्रण व्याख्या। मन को हर लेने वाली जो कश्मीर की सुंदर भूमि धरने हैं, क्या है वो, धरनी मतलब धनी धनी श्री कश्मीर धरनी, इसका मतलब है जो कश्मीर की सुंदर धरती है वो क्या है, धरने हैं। ये भूमि जादू से भरी हुई है, किससे भरी हुई है, जादू से, जहाँ प्राकृतिक का अद्भुत रूप क्या दिखाई देता है हमें, यह इस संसार के बाजीगर जो मतलब कि चमत्कार पूर्ण खेल दिखाने वाले की थैली है पूरी, क्योंकि खेल ही खेल है, चमत्कार ही चमत्कार है। जिस प्रकार बाजीगर अपनी थैली से अद्भुत वस्तुएं निकालकर दर्शकों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जादूगर होता है ना, वो अपने झोले से अलग अलग वस्तुएं निकाल के लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसी प्रकार जो कश्मीर की धरती है वह अपनी बदलते हुए रूप सौंदर्य से दर्शकों को क्या करती है, मंत्रमुग्ध कर देती है, मतलब उनके मन को मोह लेती है। ऐसा लगता है कि जब पुरुष तथा प्रकृति में जीवन रस आया, उसमें प्रेम का संचार हुआ, तब उन्होंने प्रेम क्रीड़ा करने वाली रंग रलियां मनाने के लिए कश्मीर के रूप में रंग महल का निर्माण किया। अब बोलते जब जैसे ही पुरुष तथा प्रकृति जीवन में रस आया ना, वैसे ही इसमें क्या हुआ, उन्होंने रंग रूप मतलब उसके रंग महल रंग रलियां मनाने वाले, वैसे ही उन्होंने एक अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया हुआ है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट है धरनी यही जहाँ की धूली निरद नभ तारे धरने धवल हिम शिंग तुंग दुर्गम दुग प्यारे धरने नदी नद स्रोत विमल गंगोद गोत्र जल सीतर सोरी सीतल सुखद समीर बितस्ता तीर स्वच्छ थल। अब क्या है, इसमें क्या कहा हुआ है, प्रस्तुत ये पद्यांश तो वैसे ही आना है, व्याख्या है। कवि का कथन है कि कश्मीर की जो धूल है, बादल है, आकाश तथा तारे हैं, वो क्या है, सारा कुछ धरने हैं। भाव ये है कि इसका मतलब ये है कि इन सभी का एक अलग क्या है, आकर्षण है, ये अपनी तरफ इनको मोह लेने का इनके पास एक क्या है, कैपेसिटी है, मतलब ये अलग अलग इन सभी के गुण हैं, ये अपनी तरफ मोह लेने वाले। जहाँ की बर्फ़ से लदी हुई ऊंची चोटियाँ, कश्मीर में बर्फ रहती है ना, उधर की ऊंची चोटियाँ तथा दुर्गम दृश्य अत्यधिक क्या है, प्रिय है। जहाँ की छोटी बड़ी नदियाँ नाले चश्मे धरने हैं, बोलते जहाँ की जो छोटी बड़ी बड़ी नदियाँ वगैरह है, ये सारे कुछ क्या है, धरने हैं, जिसका जल पवित्र गंगा के वश में वंश के समान पवित्र है। जिसका कश्मीर में जो
जल है ना नदी नालों का, वो उन्होंने कैसा उसको प्रतीत किया हुआ है कि जैसे जैसे गंगा नदी का पवित्र जल है उसके सामान वो क्या है, पवित्र है। जहाँ की वायु सुख प्रदान करने वाली तथा शीतल है, और कहा हुआ जो वहाँ की जो हवा है वो क्या करती है, सुख प्रदान करती है तथा मन को शीतल करती है। यहाँ बिस्सता नदी का किनारा, बिस्सता जो नदी है उसका किनारा अत्यंत स्वच्छ है, सुंदर है, साफ है। भाव ये है कि विस्तृत के स्वच्छ तट पर शीतल वायु चलती है। अब उसके तट पे जो उसके किनारों पे क्या होती है, समुद्र तट पे जाके जो अच्छी वायु है, जो शीतल वायु है वो क्या है, चलती है। उसके बाद है मन सरोवर मानहरण सुंदर मानसवल धनी गदरवल गगरीवल श्रीनगर स्वच्छ डल एक एक सौ सुगर अनेक सरोवर शाये प्राकृति देवी निज रूप लाखन मनु मुकुम लगाए। अब इसका क्या मतलब हुआ, पंक्तियां तो वैसे ही लिखनी है, सिर्फ एक लाइन चेंज होगी इसमें। इस कविता में कवि ने कश्मीर भूमि के प्राकृतिक आकर्षण का बड़ा प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। ये भी मैक्सिमम सेम ही है। उसके बाद क्या करना, व्याख्या है ऐसी अलग, जहाँ पर मानसरोवर का गर्भ करने वाली मानसवल झील है। मानसरोवर का क्या है, गर्भ करने वाली, उसको फकर करने वाली क्या है, इधर एक मानसरोवर झील है ना कश्मीर में, जहाँ के आकर्षक जो स्थल है, स्थान है तथा गंधवरवल गगरीवल तथा स्वच्छ डल जो झील है, धरने हैं वो सारे कुछ, वो धरने हैं, इसकी सुंदरता है जो देखते ही बनती है। इन सभी नदियों की, कश्मीर की सुंदरता क्या है, देखते ही बनती है, जहाँ एक से बढ़कर एक क्या है, सुंदर सरोवर है, सरोवर का जाल बिछा हुआ है। बोलते हैं इधर क्या है, एक से कश्मीर में एक से एक बढ़कर सुंदर सरोवर है, तालाब है। उसके बाद है ऐसा लगता है कि इन सबके रूप में प्रकृति ने मानो अपना रूप दिखाने के लिए दर्पण स्थापित कर रखा। दर्पण होता है शीशा, मिरर जिसको हम बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जो कश्मीर की सुंदरता है ना, वो जो प्रकृति है उसने अपना ही रूप दिखाने के लिए एक दर्पण हमारे सामने क्या किया हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। उसके बाद जो छोटे छोटे ये प्रश्न है ना, ये आपने खुद करने हैं, और इनको जरूर पढ़िएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोल रही हूँ, इनको जरूर पढ़िएगा। ये पेपर में छोटे छोटे प्रश्न आपको आते हैं, इसीलिए इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट बताऊँगी मैं आपको, ये भी है आपको, ये इनके उत्तर दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।